अल्लाह ने मुझे आवाज़ का तोहफ़ा दिया और इस आवाज़ के ज़रिए मैंने बहुत नाम इज्जत और शोहरत कमाई पूरी दुनिया देखी लेकिन एक खलिश हमेशा दिल में रही कि जिंदगी का मकसद क्या है क्यों भेजा गया मुझे इस दुनिया में क्योंकि अगर मकसद यही इज्जत नाम और शोहरत है तो फिर सुकून क्यों नहीं मिल रहा चैन क्यों नहीं मिल रहा इसी कश्मकश में कई बरस बीत गए और बिलाखिर मुझे इसका जवाब मिला कि जिसने मौत और हयात को खल किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है मुझे मेरा मकसद मिल गया कि मुझे एक बेहतरीन इंसान बनना है और जब मकसद मिल जाता है तो मंजिल भी वाजह हो जाती है कि ना सिर्फ ख़ुद बेहतरीन इंसान बनना है बल्कि अपने रिश्तों और अपने आस पास के माहौल को भी बेहतरीन बनाना है आज जब कोई पाकिस्तान को बुरा कहता है तो वो मुझे भी बुरा कहता है वो आपको भी तो बुरा कहता है क्या मैं यूं सोचूं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे पास तो सब कुछ है तो फिर सोचता हूं कि अगर कायद आजम मोहम्मद अली जनाबाल और उनके साथियों ने भी यही कहा होता कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तो आज पाकिस्तान ना होता मेरी वालदा उन लोगों में से हैं जिस नस्ल ने इस मुल्क को आबाद किया हिंदुस्तान से पाकिस्तान अपनी जान हथेली पर रख कर आई बहुत सारे लोग तो पहुंचे ही नहीं रास्ते में शहीद कर दिए गए क्यों एक ऐसे माशरे की बुनियाद डालने के लिए जहाँ सब लोगों को सलामती मिलेगी जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक मिलेंगे सब कुछ मिलेगा जहाँ जान माल का तहफुज हमारी आने वाली नस्लें एक मजबूत बुनियाद के साथ परवान चढ़ेंगी मेरा मकसद इसके सिवा और कुछ भी नहीं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम उसमें किस हद तक कामयाब हुए क्या हम वो मुआरा बना पाए आपका ताल्लुक चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो कोई भी मज़हब कोई भी रंग कोई भी नस्ल, कोई भी जुबान कोई भी सियासी पार्टी मैं आपके पास आऊँगा मैं आपको दावत दूँगा मैं बुलाऊँगा बच्चों को बड़ों को इस को एक्सपर्ट्स को लॉ मेकर्स को हुकूमती नुमाइंदों को और पूछूँगा उनसे मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास बहुत से सवाल हैं मैं ये खोज लगाना चाहता हूँ कि कैसे बनेगा ये माशरा वो मुआरा कैसे बनेगी ये रियासत रियासत मदीना जब ईमान तुम्हारे पास हो अल्लाह की रजा भी साथ हो तो फिर परवा नहीं रुकना नहीं झुकना नहीं घबराना नहीं या मुश्किल में हो जो पूछा हो but uh... असलमकुम मैं हूं नजम शराज और बुनियाद में आपको खुश आमदी बुनियाद बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर नौजवानों तक पहुंच रहा है और नौजवानों के साथ साथ हमारे हुक्मरान बाला भी इसको सुनते और देखते हैं ये मेरे लिए बुनियाद की पूरी टीम के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और हमारे जो ख़ास मेहमान जो यहाँ पर अपना हिस्सा डालने आते हैं हमारे नौजवान हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और क्यों ना हो जब मुल्क में सैकड़ों टीवी शोज़ और सोशल मीडिया का शोर हो सड़कों पे एक बेचैनी हो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हो क्या सही है क्या गलत है समझ ना आ रही हो एक अफरा तफरी का आलम हो तो ऐसे में शौर की बात करना सही और गलत का फ़र्क करना अंधेरे और उजाले का फ़र्क देखना अपनी मंजिल को पहचानना अपने मकसद को जानना मेरा रोल क्या है मेरा गोल क्या है इसका तयन करना हर जी शूर और पढ़े लिखे पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बन जाता है क्योंकि किसी भी मुल्क को कौम के लिए किसी घर के लिए ये हालात साजगार नहीं होते घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो बच्चों की तरबियत उनका मुस्तबिल कैसे होगा इसी तरह इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात एक मुल्क को कौम के लिए यह होती है कि कभी कभार ये अफरा तफरी एक डी भी होता है कि आपको आपकी मंजिल से आपका फोकस हटा के कहीं और उलझाया जाता है आपकी नफ्सियात को इंगेज किया जाता है जाया किया जाता है तरक्की के रास्ते में आपके अंदर डाउट डाला जाता है आपके टेम्पो को तोड़ा जाता है यह सर जोड़ के बैठना चाहिए मसाजिद में स्कूल कॉलेज में मीडिया पे ड्रॉइंग रूम में कि यह मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा मैं क्या कर सकता हूं इसकी बेहतरी के लिए हम क्यों वहां नहीं पहुंच पा रहे जिस बुनियाद पे हमने इसको बनाया था क्या रुकावटें हैं हम मुतहद क्यों नहीं होते कैसे आएगी सलामती कैसे मिलेगा इंसाफ कैसे बनेगी ये फलाही मुमलिकता ताकि सबको रोजगार सबको सेहत सबको तालीम सब कुछ मिले तो बजाय हम इसके ऊपर फोकस करने के अपने निज़ाम तालीम को बेहतर करने के अपने मुल्क के तमाम इदारों के ऊपर फोकस करने के हम सड़कों पर उलझते हैं हम एक ना ख़त्म होने वाली डिबेट में कौम और मुल्क का वक्त ज़ाया करते हैं इसीलिए इस प्रोग्राम की बुनियाद डाली गई है क्योंकि इस प्रोग्राम में हम सिर्फ एक चीज़ पर ही बात करेंगे और डिबेट करेंगे कि कैसे बनेगा ये मुआरा वो मुआरा नौजवान पढ़े लिखे लोग प्रोफेशनल्स वो मेहनती लोग जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है जो दिन रात काम कर रहे हैं ये ऐसे तो नहीं चल रहा आप सबका रोल इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मकसद और अपनी मंजिल पर नजर रखें इस वक्त हम डिस्ट्रैक्ट ना हों क्योंकि पाकिस्तान इन शाह इन शाह शूर की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है पाकिस्तान अपने पाऊँ पर खड़ा हो रहा है और हम कभी भी आप वापस नहीं जाएंगे आ, नौजवानों की बात हो रही है तो मैं आपको एक बहुत ही अहम क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि पिछले ही दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नौजवानों से कुछ कहा है क्योंकि उन्होंने खुद भी एक बड़ी चैलेंजेस वाली और एक बड़े हार्ड वर्क के साथ जिंदगी गुजारी और कामयाबी हासिल की सो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आज नौजवानों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और उनका माइंड सेट क्या होना चाहिए आइए देखते हैं आप ये सब ये अपनी नज़रों से देखेंगे कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन कौम बनते हुए ये मेरी नौजवानों ये मेरी आखिरी एम्बिशन है ज़िंदगी की हर चीज़ में लोगों ने कहा नामुमकिन है अल्लाह ने कामयाबी दी इसलिए कामयाबी दी कि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है उसने एक असूल कई बनाए हुए हैं कि जिसने भी कामयाब दुनिया में होना है कोई भी इंसान आज तक मेहनत किए बगैर कामयाब नहीं हुआ कोई इंसान शॉर्टकट लेके कोई उसने आज तक दुनिया में बड़ा काम नहीं किया और कामयाबी का राज क्या कामयाबी का राज सबसे बड़ा यह है बड़ी सोच रखना जितनी बड़ी ख्वाब आपकी होगी उतना ही बड़ा इंसान बनेगा अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको तो शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ मैं क्यों इसके साथ ये तो मिट्टी का बना हुआ है तो अल्लाह ने शैतान को क्या कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी ताकत दी है so, जितना बड़ा ख्वाब उतना बड़ा इंसान और जितना बड़ा जितनी बड़ी मंजिल उतनी मुश्किलें उतने इम्तहानत सो so, हम बुलाने जा रहे हैं अपने मेहमान को जो एक खुद एक कामयाब जवान है क्योंकि कामयाब जवान ही दूसरे इंसान को कामयाब होने में मदद दे सकता है चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम के और एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के यूथ अफेयर्स में आप जान चुके हैं समझ चुके हैं प्लीज वेलकम उस्मान डार आइए जी उस्मान वेलकम देखिए नजम एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं हूँ आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप ख़ुद एक माशा कामयाब सिंगर भी हैं कामयाब एंकर भी हैं खुद <laughs> एक कामयाब जवान हैं और देखिए यही एक हमारा मिशन भी है कि पाकिस्तान के उन नौजवानों तक हमने पहुँचना जो वसाइल की कमी की वजह से ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं या स्पोर्ट्स के मैदान में जो एक पूरा कामयाब जवान प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया इस प्रोग्राम का बुनियाद का मकसद ही यही है कि एक पोलिटिकल डिबेट से हट भी वो भी ज़रूरी है जो कि चलती ही रहेगी लेकिन जो एक्चुअल मंजिल है जो एक्चुअल हमारे इश्यूज हैं जो एक्चुअल जो पाकिस्तान को जहां पहुँचना है उसके ऊपर उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए अच्छा आप फ्रंट से ये बैटल लड़ रहे हैं और स्ट्रीट uh, पे काम कर रहे हैं हर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं सबसे पहले तो ये बताएं नौजवानों को कि आपको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा मायूसी जब आपकी तरफ आई जाहिर है कोई भी चीज़ आसान नहीं होती जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे हाउ डू यू हैंडल आप कैसे पर्सनली हैंडल करते हैं जब आपको लगता है यार ये नहीं हो सकता या लोग कहते हैं ये नहीं होगा देखिए देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज या मैं समझता हूँ मेरे लिए था एक ऐसे ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम की बुनियाद रखना क्योंकि माजी में हम देखते आए हैं पोलिटिकल प्रोग्राम्स लाए गए कोशिश यही की गई कि दो साल ढाई साल तीन साल में हम कोशिश करें जी कि नंबर्स क्लेम कर सकें अगर हमने स्किल्स की ट्रेनिंग देनी थी तो कोशिश ये थी दस लाख पाँच लाख और ये नहीं देख रहे थे कि जिनको स्किल्स दे रहे हैं एंड ऑफ द डे वो जॉब भी हासिल कर रहे हैं कि नहीं जो असल बुनियादी मकसद है इसी तरह बिजनेस लोन स्पोर्ट्स जो भी इंगेजमेंट्स तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऐसा प्रोग्राम जो ट्रांसपेरेंट हो उसकी अकाउंटेबिलिटी की जा सके यानी कि मैं सबसे पहले चाहता था कि मेरी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी ये प्रोग्राम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा इसका डिज़ाइन ठीक है कि नहीं या इसकी जो बुनियाद रखी गई है वो भी ठीक है कि नहीं एंड तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैरोटोक्रेसी की जो हम बात करते हैं hmm. हम ये देखते रहे हैं पोलिटिकल लोग या हुकूमतें जो प्रोग्राम्स लेके आती हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हैंड पिक लोगों को अपने जीज़ोकारब को बासत शख्सियात के रिश्तेदारों को वजीर मशीर यही लोग सुनते आए हैं ना हम तो इस वजह से हमें तकरीबन आठ से नौ माह लगे एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब जवान डॉट गव डॉट पी के पर अगर आप जाएँ तो मुझे ये खुशी भी है फ़खर भी है कि कामयाब जवान और उसकी टीम ने एन आई टी बी के साथ मिलकर जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है स्टेट ऑफ द आर्ट अगर आप बिज़नेस लोन की बात करें तो वो आपको आ, सारे स्टेटस्टिक्स नज़र आते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में किस सूबे में किस तहसील में कितनी रकम तकसीम की गई है और इवन इंडिविजुअल्स का भी बैक एंड में डाटा मौजूद है बग़ैर सफ़ारश के बगैर रिश्वत के किसी को पैसे खिलाए बगैर किसी वज़ीर मशीर एम एन ए के पीछे भागे बगैर इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपये हासिल करके आज तकरीबन छब्बीस हजार नौजवान चालीस अरब रुपये की रकम से पूरे पाकिस्तान में कामयाबी से अपना कारोबार कर रहे हैं ये उसका एक है और उसमें भी जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है तीनों सेक्टर्स सर्विस सेक्टर मैनुफेक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दिए गए हैं और कामयाब जवान प्रोग्राम में एक हम कंपोनेंट जिस पे बड़ा फोकस्ड काम कर रहे हैं वो है कामयाब खतून का अच्छा तो हम समझते हैं या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तब तक आ, हकीकी मायनों में ना तरक्की कर सकता है ना आगे जा सकता है जब तक उसमें हमारी बहादुर बेटियों की पाकिस्तान की खातन की शमूलियत नहीं होगी एक वक्त था एक तासुर था एक परसपशन थी कि पाकिस्तान की खवीन शायद सिर्फ ब्यूटी पार्लर और इस टाइप के ही एज ए आंट्रप्रेन्योर काम कर सकती हैं लेकिन मैं जब देखता हूँ कामयाब जवान में डाटा तो आज हमारी खवान अलहदुल्ल आई टी सेक्टर में ई कामर्स में फिलेंसिंग में वेब डिज़ाइनिंग में मोबाइल ऐप में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आप जस्ट नाम लें जो भी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में आप काम कर सकते हैं बतौर आंट्रोपनीर अलहमदिल्ला पाकिस्तान की खवतिन हैं तो हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा खवान शमूलियत करें और पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में अपना हिस्सा डालें इसमें आपसे और भी डिटेल मैं जाना चाहूँगा कि एक नौजवान को क्या 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 क्या, क्या फ़ायदे होंगे आपके प्रोग्राम से लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ नौजवान बैठे हैं और जो घरों में सुन रहे हैं उनको बताएं कि आपकी डेफिनेशन क्या है यानी पाकिस्तान जो नया पाकिस्तान है जो कि इन अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है इसका जो कामयाब जवान है वो कैसा होगा क्या है उसका माइंड सेट कामयाब जवान प्रोग्राम तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक ये नौजवान कामयाब नहीं होंगे ये बिल्कुल क्लैरिटी है आ, मुझे इस बात पे अगर आप नजम पूरी दुनिया में देखें अगर हम लीक वन यू की बात करते हैं सिंगापुर महािर मोहम्मद मलेशिया बांग्लादेश चाइना मॉडल्स की तो वहाँ प्रोग्राम्स दो दो दहाइयाँ बीस बीस साल के बाद जाकर उनके रिजल्ट आते हैं दस दस साल के बाद जाकर रिजल्ट है। आज हम कामयाब जवान के विजन ट्वेंटी थर्टी पे काम करें मसलन मैं आपके सामने रखता हूं और कौन के हर माह तीन से चार अरब रुपए कामयाब जवान प्रोग्राम से नौजवानों में तकसीम किए जा रहे हैं कि ये अपना कारोबार शुरू कर सकें वो तकरीबन ढाई तीन हजार बिजनेसेस जो कि माइक्रो बिजनेसिस कॉटेज इंडस्ट्री एस एम ई सेक्टर की अगर हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की बात करें उसमें काम हो रहा है ट्वेंटी थर्टी तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हाफ अ मिलियन नौजवान पांच लाख नौजवान पांच लाख बिजनेस शुरू कर चुके होंगे और उसमें जो जॉब क्रिएशन है कम अज कम भी पच्चीस लाख लोगों को ये जॉब दे सकेंगे जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो बड़े मिसाइल हैं उनमें से एक मसला जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का आज है आज भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जॉब मार्केट में हजारों नहीं लाखों नौकरियां मौजूद हैं मेरा खुद इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है लेकिन इशू क्या है कि जिस जो रिक्वायरमेंट है जो इंडस्ट्री को जो जॉब मार्केट को रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं इमरान खान ने अरबों रुपए हाईटेक के लिए दिए हैं और दूसरी तरफ मैं आपको और नौजवानों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पचास पचपन अरब रुपये माजी की हुकूमतों ने लैपटॉप पर भी लगाए सही लेकिन लैपटॉप की एक अपनी जगह इम्पावरमेंट मौजूद है लेकिन उस लैपटॉप से जिस पे पचास अरब हमने लगाए कोई रोजगार जनरेट नहीं हुआ हमें लॉन्ग टर्म देखना चाहिए तो विजन अच्छा। ये है इन दोनों इनिशिएटिव की मैं बात कर रहा जो हम बिजनेस लोन दे रहे हैं उससे नौजवानों के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं और जो स्किल दे रहे हैं हम कामयाब जवान के प्लेटफॉर्म से उससे भी ये फिलंसर बन रहे हैं अपना काम शुरू कर रहे हैं और रोजगार हासिल कर रहे हैं सही तो हमारा जो कोर विजन और मिशन है कामयाब जवान का वो जॉब्स जॉब्स एंड जॉब्स अच्छा ये कामयाब जवान मैंने इसका कॉन्सेप्ट इसलिए भी आपसे पूछा कि जो चेयरमैन है हायर एजुकेशन कमीशन के डॉक्टर तारिक बनोरी साहब इन्होंने कहा कि आर एजुकेशन सिस्टम कैन प्रोड्यूस नाइदर गुड स्टूडेंट्स नॉर गुड सिटीजन्स और साथ एक कैरेक्टर बिल्डिंग सो आपके प्रोग्राम में कोई आ, आपने इसकी तरफ भी काम किया है कि हाउ डू वी ब्रिंग दैट कैरेक्टर जो जिम्मेदार भी हो मुल्क का आ, मुल्क का शुक्रगुजार भी हो एहसानमंद भी हो देखिए और आप... फिर खुददार भी हो आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया हमारा एक कंपोनेंट है कामयाब जवान मरकज फुल एक uh, हम ये लेके आ रहे हैं इनिशिएटिव के तौर पे और बुनियादी तौर पे कामयाब जवान मरकज फंक्शन करेगा एज ए यूथ डेवलपमेंट सेंटर के तौर पे okay. पाकिस्तान की जितनी दो सौ सैंतीस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर तकरीबन बीस लाख स्टूडेंट्स हैं नौजवान हैं और हम उससे आगाज़ कर रहे हैं तो कैरियर काउंसलिंग जो है उसका एक मेजर कंपोनेंट है उसी के अंदर स्कॉलरशिप इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप कामयाब जवान के दीगर प्रोग्राम्स और जो सबसे मेरा एक फेवरेट है उसमें है ग्रैंड मेंटोर का अच्छा। जो भी आपने बात की है हम मेंटोरशिप भी देने जा रहे हैं और वो फिज़िकल भी होगी और उसको हम डिजिटल भी लेके आ रहे हैं करोड़ों नौजवानों तक पहुँचना मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो हम एक कामयाब जवान डिजिटल मर्कज़ लेके आ रहे हैं जिसमें ये ग्रैंड मैंट्रोशिप भी रख रहे हैं इवन ई लाइब्रेरी और बहुत कुछ उसमें ले कर आ रहे हैं और और ये ज़रूरी है कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ मैंटरशिप भी करना अपनी यूथ के लिए बल्कि मैं समझता हूँ कि आज तक हमारी नौजवानों को यूथ को नज़रअंदाज किया गया आई मीन नगलेक्टेड ये एक वो एरिया था जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था इस मुल्क का उसको नगलेक्ट रहे वो और वाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं या मेरे लीडर हैं जिन्होंने नौजवानों की बात की इस मुल्क में और फिर उन्होंने हाल ही अपनी तकरीरों में या जलसे जुलूसों तक नहीं रखा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नौजवानों पर इतम करते हुए ने दस लाख रुपये तक बगैर सिक्योरिटी के दिए हैं बगैर सिक्योरिटी के फिर उसको हम बीस लाख करने जा रहे हैं माशाला बीस लाख और जो एक करोड़ है उसे ढाई करोड़ करने जा रहे हैं और ढाई करोड़ को पाँच करोड़ करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बहुत बड़ी तादाद में लाखों नौजवान रिजेक्ट हुए मैं देख रहा था क्योंकि सात आठ लाख नौजवानों की एप्लीकेशन हमारी जो है ना वो रिजेक्ट हुई है okay. और उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनकी बिजनेस फिजिबिलिटी ठीक नहीं थी टैक्स पेयर का पैसा हम इन्हीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बेशक ये इन्हीं का ही पैसा है ये नौजवान जो आपके प्रोग्राम में बैठे हैं या इनमें से कोई टैक्स दे रहा होगा वैसे तो ये इनडायरेक्ट टैक्स देते ही हैं। ये टैक्स का पैसा हम इनकी डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट की दुनिया में बात की जाती है तो हमने हर मुमकिन हद तक कोशिश करनी है कि पैसे उन हाथों में जाएं या उन नौजवानों तक जाएं जो वाकई ही इस काबिल हैं या अहलियत रखते हैं कारोबार करने की और बहुत सारे तो ये कह रहे थे आप हमें पहले पैसे दें तो फिर हम सोचेंगे कारोबार करेंगे <laughs> तो मेरा इन सब नौजवानों को पैगाम है पी से और बुनियाद के माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो नजम लेके आगे बढ़ रहे हैं कि आप भरपूर तैयारी करके आएँ और मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम कामयाब जवान प्योरली नौजवानों के लिए है इनकी कामयाबी के लिए है इसका नाम ही कामयाब जवान इसलिए रखा गया कि हमने नौजवानों को कामयाब करवाना सही। है उस्मान ये ये ये, ये ये जो बॉडी है है आपकी सिंध रही नेशन वाइड स्टूडेंट को मैं वही बता रहा हूँ कि हमने नहीं देखा कि सिंध की गवर्नमेंट अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है या नहीं कर रही कराची में हम दो अरब रुपए तकसीम करके आए हैं टू बिलियन रुपीज इन कराची और इसी तरह दस हज़ार के करीब स्कॉलरशिप्स थी जो हमने कराची के नौजवानों में तकसीम की और मुझे ये भी दिली खुशी है जिन हाई टेक स्किल स्कॉलरशिप्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स भी सिंध के नौजवानों को हमने दी हैं तो सिंध के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की खास हदायत थी कि किसी सतह पर भी सिंध के नौजवान खुद को तनहा महसूस ना करें कि शायद वफाक हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा तो मुझे दिली खुशी है अभी तक तकरीबन पाँच अरब रुपये आप कह सकते हैं हम सिंध के नौजवानों को दे चुके हैं और मज़ीद हमारा टारगेट है पाँच अरब रुपये तेज़ी से तकसीम करने का ये पब्लिक किया है इसीलिए तो ट्रांसपेरेंट तो आज तक कोई एक भी नौजवान ये क्लेम नहीं कर सकता या कोई बैंक क्लेम नहीं कर सकता या अदारा क्लेम नहीं कर सकता कि ये बच्चा इसको कर्ज़ा या इसकालशिप उस्मान डार की टेलीफोन कॉल या सिफारिश पर दी गई है क्या बात है मेरा ख़्याल है ये, ये गुफ्तु सुन के बहुत सारे वो लोग जो ए, मैंने भी सुना आप भी सुनते होंगे कि शायद हुकूमत की तैयारी नहीं है या हुकूमत जो है वो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता सो so, ये तो चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया हैं उस्मान इतनी डिटेल किस किस्म की हार्ड ड्राइव लगाई हुई है आपने यहाँ पे उस्मान कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप इस प्रोग्राम पे हाँ कितने से इस प्रोग्राम अभी पे? तो आ, तीन साल हुए हैं मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था 2018 के आखिर में नवंबर या दिसंबर में फिर मैंने आपको कहा आठ नौ माह हमने एक वेल थॉट प्रोसेस से एक मैसिव कंसल्टेटिव प्रोसेस हमने किया नेशनल इंटरनेशनल यूथ एक्सपर्ट्स के साथ बैठे थे और फिर इस प्रोग्राम को लेके देखें मैं इन शाह तला देख रहा हूँ कामयाब जवान नौजवानों का एक खामोश इनकलाब है इस मुल्क में ये जैसे मैंने आपको फिगर्स रखे हैं आपके सामने और ये हर माँ नौजवान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं अब ये ऑटो पायलट हो चुका है इसमें मेरी एज सच हमारी कोशिश ये है जिस नेशनल यूथ कमीशन की मैंने बात की है हम लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में अच्छा ये सारा प्रोग्राम हम उसको हैंड ओवर कर देंगे और मेरी ये दिली खावाहिश है कि उस कमीशन का एक बड़ा यंग डायनामिक किस्म का चेयरमैन होना चाहिए और नौजवानों का ये इदारा होगा तो मैं चाहूंगा नौजवानों की ही कमांड तो हो समझता हो तो इसकी ताला एक जबरदस्त हम तैयारी कर रहे हैं हमने है। कामयाब जवान ई स्पोर्ट्स का आगाज किया जिसमें दो करोड़ बच्चे पाकिस्तान के अब देखेंगे ताला एशियन गेम्स में भी ई स्पोर्ट्स आ रहा है और अगर आपको इसलान ऐश जो कि गांव से उठा है और वो टेकन का चैंपियन हुआ है स्पोर्ट्स yes, में पाकिस्तान yes, yes. का नाम रोशन yes, किया उसने तो ये ऐश जैसे माशाल्लाह जो टैलेंटेड नौजवान hmm. है आप देखेंगे पबजी और ये वो जो, जो चल रहा है इसमें पाकिस्तान अब ई स्पोर्ट्स में छाएगा जितना भी ऑनलाइन स्पोर्ट्स में जो वीरान मैदान थे वो तो हम स्पोर्ट्स कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव से बात कर रहे हैं सिर्फ इस साल में 600 इवेंट्स हैं हमारे स्पोर्ट्स के कामयाब जो एंड एंड टैलेंट ड्राइव और उसके साथ साथ हम ई स्पोर्ट्स में नौजवानों को मौका देने लगे देखिए डिजिटल पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं ना और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है ना जब ट्रस्ट भी मैं इस जिम्मेदारी को संभालने से पहले सुनता ही था कि पाकिस्तान के नौजवान <laughs> उठा देंगे कर देंगे oh, लेकिन जब मैंने इन नौजवानों को करीब से जाके देखा है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तानी और पाकिस्तान का नौजवान दुनिया के किसी नौजवान से भी कम नहीं बिल्कुल मुकाबला कर सकता है यस yes, कोर्स सिर्फ इन नौजवानों को जरूरत हैकूमती सतह पर सरपरस्ती की माशाल्लाह हमारे नौजवान फुटबॉल खेलने वाले हैं जो बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों में फुटबॉल खेलने वाले हैं इनको सरकारी सतह पर सरपरस्ती मिले मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आलमी फुटबॉलर बन सकते हैं कामयाब जवान से हम किसी ऐसे इनिशियटिव या प्रोग्राम को ना शुरू कर रहे हैं ना हमारा इरादा है जिसमें हम नौजवान को एंड टू एंड सोलूशन ना दे सके हैंड होल्डिंग ना करें अगर हमने बारह तो हुँ। क्रिकेट में लाहौर कलंदर के साथ मिलकर हमने टैलेंट हंड ड्राइव किया माशाल्लाह आपने देखा लाहौर कलंदर जीता भी है फिर एक प्लेयर जो उन्होंने पिक किया टैलेंट हंड से वो लाहौर कलंदर के स्कॉड में खेल रहा था आई मीन उसका हिस्सा था इसी तरह फुटबॉल में ग्लोबल सॉकर वेंचर को लेके आए उनके साथ मिलके टैलेंट ड्राइव किया 20 बच्चे अब पाकिस्तान के सेंट पेट्रिक क्लब में खेलने जा रहे हैं आयरिश क्लब में भी जिससे प्रीमियर लीग आपके सामने कितना बड़ा वो इवेंट है फुटबॉल का उसमें इन्हें मौका मिलेगा खेलने का nice. एक तरफ तो ये स्पोर्ट्स से हेल्थ एंड वेल बींग जिसकी हम बात करते हैं स्पोर्ट्स आपको मैदान में तो मुकाबला करना सिखाता ही है एक आप जेनी मुकाबला कर रहे होते हो दोनों जगह मुकाबला course, हो रहा होता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनोवेशन लीग होने जा रही है अच्छा। पाँच लाख यूथ को हम इन्वाइट कर रहे हैं मुख्य यूनिवर्सिटीज की भी होगी बाहर के भी जो नौजवान हैं वो भी होंगे पांच सौ स्टार्टअप्स जो नए हमारे स्टार्टअप्स हैं वो हमारा टारगेट है अच्छा और यकीन मानिए इनमें से दो तीन स्टार्टअप्स ही पाकिस्तान को ऊपर ले जाएंगे इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं इससे पहले कि मैं यंगस्टर से कहूँ कि वो भी अपने ख्याल का इजहार करें एक तो हर मुल्क के कुछ प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो किसी गवर्नमेंट के आने और जाने से चेंज नहीं होते हैं सो तो आपको लगता है कि जो मेहनत इतनी कर दी है आपने हम तो सब दिल से चाहते हैं कि आपको पूरा टाइम मिले कि आप इसको कामयाबी के साथ अपने मंजिल तक पहुँचते हुए देखें लेकिन क्या ये आपने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इसको हाथ नहीं लगाएगी क्योंकि ये नौजवान पाकिस्तान है मैं ये सोचता जरूर हूँ कि डेढ़ साल के बाद अगला इलेक्शन आएगा एक तो मैं आपके प्रोग्राम से ये जो नौजवान यहाँ बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं मैं इन्हें ये कहना चाहूँगा कि ये वोट करने ज़रूर निकलें वोट जिस मर्जी पार्टी को करें अभी जो लास्ट इलेक्शन था दो का उसमें थर्टी यूथ आई थी बाहर यस सौ में से और 70 परसेंट वो थे जो आ, आ, आपके आ, यूथ एज के ऊपर के hmm. आ, पाकिस्तानी सिटीज़न थे वेर एज सत्तर फीसद यूथ बाहर आनी चाहिए थी जितनी बड़ी तादाद है जैसे मैंने आपको कहा है कि अड़सठ फीसद आबादी पाकिस्तान की नौजवानों पर मुश्तमिल है तो एक तो नौजवानों आप ज़रूर वोट करने बाहर निकलें क्योंकि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा शऊर रखने वाले ये लोग हैं जो यहाँ भी बैठे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो कॉलेज में हैं अगर ये इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि हमने किसको वोट देना है पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है हमारे मुस्तक चेंज हम नहीं ला सकते एक तो मैं ये देना चाहता और दूसरा कोई भी जमात हो देखे नौजवान ही हर मुल्क को उठाया उन्होंने चाइना को देखें सिंगापुर को देखें हर हर वो मुल्क जिसने तरक्की की है उसने अपनी यूथ पे डेवलपमेंट की है यूथ ही है जो मुल्क को ऊपर लेके जा सकती है मैंने इसीलिए कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम कोई सियासी बुनियादों पे नहीं रखा गया और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली हुकूमत जो भी आएगी कामयाब जवान प्रोग्राम को अगले पांच साल मिलते हैं तो ये कम अज कम भी फाइव टाइम्स ज्यादा तेजी से आपको काम करता नजर आएगा इसलिए कि तब तक जो इसके अंदर जो शो स्टॉपर्स थे जो चीज़ें इसके रास्ते में रिकॉर्ड बहुत मुश्किल होता है वो हमने हटा दी हैं जी, जी अब जी, हर आने वाला साल कामयाब जवान प्रोग्राम का नौजवानों को तेजी से और ज़्यादा कामयाबियां दिलाएगा उस्मान क्विकली मैंने पिछले प्रोग्राम में एक मिसाल दी थी कि जहाँ शायद होता है वहाँ मक्खियाँ आती हैं और हमारे नौजवान हमारा शायद है क्योंकि ये हमारी क्रीम है हमारी स्ट्रेंथ है सो ये जो सोशल मीडिया क्योंकि जाहिर है हमारा दिफा तो स्ट्रॉग है माशाल्लाह सोशल मीडिया नौजवान और एक तीसरी चीज़ है फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ में वो र्यूमर्स भी आ जाते हैं जो आपको सिर्फ वक्ती तौर पे उलझाते हैं आपकी आपके ट्रिगर्स आपकी अट्रैक्शन आपकी वीकनेसेस को यू you नो know, वो करके करके आपको इधर उधर उलझाते हैं सो so, कितना ज़रूरी है नौजवानों को ये जानना क्योंकि इस्लाम ने भी एक मीडिया पॉलिसी बहुत पहले दे दी थी और अल्लाह ताली तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि आ, वो लोग जो ईमान लाए हो जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह तस्दीक कर लो कहीं तुम बाद में उस किसी को नुकसान बचाओ तुम और तुम्हें शर्मिंदगी हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनी सुनाई बात को आगे ना बढ़ाओ सो so, आप नौजवानों से क्या कहेंगे कि इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया को सही यूज़ करना और सच और गलत को का फर्क जानना देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं समझता हूँ इस पर वाकई ही नौजवानों को एक गाइडलाइन मिलनी चाहिए एक तो मैं पाकिस्तान के वो तमाम नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं मैं इन्हें ये कहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव कॉन्टेंट को सपोर्ट करें ये भी एक मैं समझता हूं बात है कि नेगेटिव कंटेंट ज्यादा वायरल हो जाता है और एक पॉजिटिव कंटेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको ना इतना सपोर्ट किया जाता है ना उसको इतना वायरल किया जाता है तो फेक न्यूज मैं समझता हूं, जितना पाकिस्तान को फेक न्यूज ने नुकसान पहुंचाया आज अगर आप एक फेक न्यूज दे दें कि इस मुल्क के वजीर खजाना चेंज हो रहे हैं लेट्स से यही कहा जाता है ना जी वो मुलाकात हो गई तो कल जा रहे हैं परसों जा रहे हैं तो आपका सारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो ट्विस्ट कर जाएगा वो मकसद बैठ जाएगा आपका स्टॉक एक्सचेंज ही फाइनेंस मिनिस्टर इस मुल्क का चेंज हो उनके लिए तो एक स्टेटमेंट थी जिस किसी ने भी फेक न्यूज़ दी तो ये बड़ा जरूरी है आपका समझना देखें एक बड़ी थिन लाइन है डिसनफॉर्मेशन में और फेक न्यूज में पाकिस्तान में पिछले दिनों ऐसे ट्रेंड्स लाए गए सोशल मीडिया पे मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्हीं ट्रेंड्स को एंटी गवर्नमेंट कह लें एंटी प्राइम मिनिस्टर कह लें उन ट्रेंड्स को हिंदुस्तान प्रमोट कर रहा था बाद वो उन्होंने पिक कर लिए तो हमें ऐसे कंटेंट से इज्तनाब करना चाहिए प्रमोट करने से अवॉइड करना चाहिए खास तौर पे मैं कह रहा हूँ नेगेटिविटी देखिए होप होप जब तक है ना तो फिर आप स्ट्रगल भी करते हैं आप मेहनत भी करते हैं आप फाइट भी करते हैं क्योंकि आपको पता है कि हम कहीं पहुँच जाएंगे तो मेरा कम अज कम जो मैं सबसे बड़ी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ वो यही समझता हूं कि मुझे नौजवानों को उम्मीद देनी है क्या बात होप है? देनी है कि हम कुछ कर रहे हैं और मैं नजम हर फोरम पे अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हूं क्या बात है बैठा मैं That's the spirit. बैठा, ये नया पाकिस्तान है है देखे, 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 ये नया पाकिस्तान पे बैठ के पॉलिटिशियन नहीं लीडर बनते हैं और लीडर जो है उस्मान पॉलिटिशियन जो है वो कभी भी इधर उधर हो सकता है लीडर जो है वो इधर उधर नहीं होता तो जो मैंने पैगाम दिया आज नौजवानों को आपके प्रोग्राम से वो उम्मीद का दिया होप का दिया और वोट मस्ट करें किसी जमात को भी करें मैं तो नहीं, 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 नहीं कह रहा मुझे वोट करें या हमारी पार्टी को करें क्योंकि आपका वोट ही तब्दीली ला सकता है इस मुल्क में और नजर मैं हमेशा जब भी पीटीवी पे आया हूँ एक आम तासुर है परसेप्शन है या सरकारी चैनल है तो शायद इसका कॉन्टेंट जो है वो फिक्स कॉन्टेंट है आज आपने मेरी अकाउंटेबिलिटी करनी है और जिस हद हाँ तक भी जो भी नौजवानों के सवाल आते हैं पूछें हमसे जो आप देने के लिए हम तैयार हैं तैयार हैं तो फिर उस्मान आपके सामने हैं दिल खोल के पूछें जो आपके दिल में है सबसे पहले तो आपका और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने कामयाब जवान पे स्पेशली सिंध पे बड़ा फ़ोकस किया जो बहुत ज़रूरी था इवन के वहाँ पे पार्टीज़ भी दूसरी है लेकिन उन्होंने एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते वहाँ पे फोकस किया मेरा सर आपके साथ ये सवाल है Uh, चूँकि इस मुल्क में आज कल सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर बढ़ गए हैं क्योंकि आज कल का जो नौजवान है वो सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है वो उनको फॉलो कर रहा है तो उनको हम uh, एक जो है ना मेन मीडिया पे लाके उनको अच्छे पाकिस्तानी जो हमारा बुनियादी पाकिस्तानी है वहाँ का पैगाम दिया जाए तो इसके हवाले से आपकी क्या पॉलिसीज़ है so आप की बात जीफ्सर सोशल देखें बड़ा अच्छा सवाल था इनका Uh, हम बहुत जल्द रमज़ान से पहले होपफुली पाकिस्तान के हर सूबे में गूगल के साथ मिलकर वी लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको बहुत थोड़ी सी रकम चाहिए उनके पास वसाइल नहीं है और जैसे आपने कहा कि ये इन्फ्लुंसर हैं लोग हमें सुनते हैं सोसाइटी माशरे ने सुनता है तो कामयाब जवान का जो हमारा बिज़नेस लोन वाला कंपोनेट था मैं उस भी नहीं चाह रहा था कि ये उससे भी फ़ायदा उठा सकें और जो हमारा हाई टेक स्किल्स की मैं बात कर रहा था जिसमें वीडियो मेकिंग और दूसरी चीज़ें हम कर रहे हैं तो कामयाब जवान के प्लेटफॉर्म से बहुत जल्द हम वीलागर्स और यूट्यूबर्स कॉन्फ्रेंसिस का आगाज़ कर रहे हैं और इनको पूरा इन शाला ताली फेसिलिटेट करेंगे अब चूँकि आपकी बात नौजवान सुनते भी हैं और आपने ये बेड़ा उठाया है एक करप्शन जो पचहत्तर साल में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक मसला हर लेवल के ऊपर एक रुपए से ले खरबों तक ये कैसे मुमकिन हो कि ये कल्चर हम अपनी यूथ को पास ऑन ना करें कभी आपको इससे खौफ आता है कि क्या हम अपने ही जैसे बहुत सारे और एक जो फैक्ट्री बनी हुई है कहीं और ना निकाल दें नौजवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि किराए की साइकिल से लेकर स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर तक का सफर और लग्जरी गाड़ियों का सफ़र उस्मान डार ने ईमानदारी से और मेहनत से हासिल किया है ये चीजें आप मेहनत से हासिल कर सकते हैं जी प्लीज आप बड़ी देर से इंतजार कर रही है मैंने आपसे ये पूछना था कि क्या आपको नहीं लगता कि एज ए स्टूडेंट एज अ पाकिस्तानी जो काउंसलिंग क्राइसिस एक स्टूडेंट फेस करता है वो यूनिवर्सिटी लाइफ में फौरन पहले का होता है तो क्या आपका ये इनिशियटिव जो है इस गैप को फिल करने में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है हम कामयाब जवान डिजिटल मर्कज लेके आ रहे हैं वो सभी के लिए होगा जो फिज़िकल मर्कज़ हमने बनाने शुरू किए हैं अभी शुरू किए हैं अभी पंद्रह बीस बन चुके हैं एक सौ आठ हमने मुकम्मल करने हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में तो उसमें मुझे जो लिमिटेशन नज़र आ रही थी वो यही आ रही थी कि जैसे आपने कहा है कि जो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता वो क्या करेगा तो उसके लिए तो एक हम कामयाब जवान डिजिटल मरकज़ लेके आ रहे हैं दूसरा हम जीरो एट हंड्रेड जवान के नाम से यू नेशनल यूथ हेल्पलाइन जिसको हम यूथ पल्स के नाम से लेके आ रहे हैं वो भी ट्वेंटी फोर सेवन हम कोशिश कर रहे हैं लेके कर आएँ जो कि के कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ वैसे ही आपको एक मैंटरशिप uh, की ज़रूरत है hmm. तो उस हेल्पलाइन के ऊपर भी हमारी टीम बैठी होगी पाकिस्तान के जो लाखों करोड़ों नौजवान हैं जो भी किसी तरह की भी अगर कोई कंसल्टेशन uh, करना चाहते हैं या uh, उनको किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत है हमारी ब्यूटुल ब्यूटीफुल अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं हैंडी कैप जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ सोचा जा रहा है देखिए हैंडीकैप मुझे यह भी खुशी है कि बहुत बड़ी तादाद में जो कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल है उसमें इवन इंस्टीट्यूट हैं हमारे ऐसे एक इधर एप्टाबाद में भी है जिनको हम भरपूर स्किल्स दे रहे हैं उन्होंने अपना काम भी शुरू किया जॉब भी हासिल किया और बिजनेस लोन में भी Uh, काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि हंडी कैप्स को सपोर्ट करें आखिरी सवाल लेते हैं जी क्या कामयाब जवान प्रोग्राम में कोई हिस्सा इस तरह का भी होना चाहिए कि मदारस के वो तलबा जो आगे अपने अली तलीम एम फिल या पी एच डी में दाखिला लेना चाहते हैं वो ताली मरहल करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई स्कॉलरशिप का हिस्सा शामिल हो जी उस बात देखें हम ऑलरेडी मदारस के स्टूडेंट्स को हज़ारों की तादाद में स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं और इससे भी आगे जा रहे हैं पहले फेज में हम पचहत्तर मदारस में आ, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बना रहे हैं हाई टेक लैब्स जिससे मदारस के स्टूडेंट को हम मौका देंगे कि वो आगे बढ़ें और इवन जो मदारस के स्टूडेंट्स हाई टेक कोर्सेज़ करना चाह रहे हैं हम उन्हें वो भी आ, दे रहे हैं देखिए ये हमारी खुशकस्मती है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को आ, वो वजी अजम है अलहदुल्ल जिन्होंने रहमतमीन अथॉरिटी का क्या कर दिया अक्सर दीन के लिए और दीन इस्लाम के लिए जो क्लैरिटी और जिस फोकस के साथ मेरे लीडर आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं तो वो नौजवान जो कि आपने जैसे कहा है कि पसमानदा इलाकों के, के हैं उनके पास वसाइल नहीं हैं एहसास प्रोग्राम जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं चार साल पूरा हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं और वो भी कुछ छः आठ आठ लाख रुपए की एक स्कॉलरशिप है चार साल पढ़ा रहे हैं हम नौजवान को एक लाख नौजवानों को एहसास अंडर ग्रेजुएट में हम एच ई सी के जरिए सपोर्ट कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच उस्मान हमने उस्मान को यहाँ पर इसका एहतसाब करने के लिए नहीं बुलाया था बल्कि उसको इंकरेज और अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया था क्योंकि जब तक हम इंकरेज और अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इनको किस तरह हौसला बढ़ेगा तो so, मैं चाहता हूँ कि हम आमतौर पर स्टैंडिंग ओबेशन देते हैं मैं खुद चाहता हूँ कि इनके लिए खड़े होकर क्लैप की जाए थैंक यू वेरी मच उस्मान फॉर डूइंग दिस यू एंड वी विश बेस्ट डूंग पाकिस्तान और आप कामयाब होंगे पाकिस्तान जब ईमान तुम्हारे पास हो अल्लाह की रजा भी साथ हो तो फिर परवा नहीं रुकना नहीं झुकना नहीं घबराना नहीं या तूफा मुश्किल में हो जो तू जब ओ, ओ।